हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जिसके अंतर्गत मैं आपको रेडियल सिस्टम, रिंगमैन सिस्टम और इंटरकनेक्टेड सिस्टम के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिंगमैन के बारे में बताया था। उसके बाद ये दूसरा टॉपिक है, इससे आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो बेसिक्स नॉलेज है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडियल सिस्टम को देखते हैं हम लोग। ये आपका पावर सब स्टेशन है, 33/11 kV का ये आपका पावर सब स्टेशन है। यहाँ इस सब स्टेशन से आपकी तीन फीडर निकल रही है, फीडर ए, फीडर बी और फीडर सी निकल रही है। तो ये जो फीडर ए जो होगी, इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो 10, 15, 20, 25, 30, 50 ऐसा इस फीडर का लेंथ हो सकता है। उसी तरीके से इस फीडर का भी अपना लेंथ हो सकता है, इस फीडर का भी अपना लेंथ हो सकता है। तो बात करें इस फीडर ए की, तो इस फीडर ए के तहत मैंने एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यहां पर लोकेट कराया है और इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से यहां से आपके लोड कनेक्ट है, मतलब घर कनेक्ट है। तो अगर इस ट्रांसफार्मर में अगर फॉल्ट आता है तो मुझे इस फीडर को बंद कराना पड़ेगा। या सपोज इस फीडर पे ये जो आपकी मेन फीडर है, 11000 की लाइन जो है, अगर ये आपकी किसी तरीके से फॉल्ट हो गया या ब्रेक कर गया, तो एक्चुअली होगा क्या, इस फीडर को बंद कराना पड़ेगा इस सब स्टेशन से। तो इस समय क्या होगा, फीडर बी और सी आपका चालू रहेगा, सिर्फ फीडर ए को बंद कराया जाएगा, क्योंकि इस फीडर पे फॉल्ट आया है तो इस पे काम चलेगा। इस फीडर को बंद करा के ये बी और सी आपका रनिंग कंडीशन में रहेगा, चालू रहेगा। तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि इस फीडर से, ये मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दिखाया हूं, इसी तरीके से हो सकता है 20, 30, 50 ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इस फीडर ए से कनेक्ट होगा। तो अगर सपोज ये ब्रेक कर जाता है तो इसके वजह से इस फीडर को बंद करना पड़ेगा, और क्या होगा, जितने भी 20 या 30 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्ट होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बंद रहेंगे जब तक इस फीडर का रिपेयर ना हो, या जब तक ठीक ना हो। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अगर फीडर पे अगर कहीं पर भी फॉल्ट आ गया तो इसके वजह से जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्ट हैं तो उनको भी दिक्कत हो गया, मतलब उनका भी लाइन ऑफ रहा है। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि इसको भी अच्छा कर दें, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम में क्या होता है, जब भी कोई फीडर है उससे अगर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, अगर फीडर ए में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके वजह से मुझे पूरा फीडर को बंद करना पड़ता है, और उसको बंद करने से सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है ऑफ रहेंगे। तो ये सबसे इनका मेन डिसएडवांटेज रेडियल सिस्टम का ये है कि क्या होता है, अगर कहीं पर भी इस फीडर पे अगर फॉल्ट आता है, इसके वजह से सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बंद हो जाए। ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं कि अगर मान लो सपोज ये दूसरे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर में अगर फॉल्ट आया है या ये तार गिर गया है फीडर ए का, तो इसके वजह से सारे ये फीडर बंद हो गए। तो ये इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज था कि एक के वजह से इस फीडर को पूरा ही बंद करना पड़े और सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को भी बंद करना पड़ा। तो अब इसको सुधारने के लिए हम लोग ऐसा कौन सा सिस्टम लाए, तो अब पहला ये चीज है कि ये रेडियल सिस्टम कहाँ पे यूज होता है। आज से अगर 10 साल या 15 साल पहले देखेंगे तो क्या होता था, बिजली जो है हमारी क्या होती थी, घर तक 10 घंटा या 12 घंटा या 9 घंटा इस तरीके से मिलता था, 24 घंटे तो मिल ही नहीं पाते थे। आज से अगर 15 और 20 साल या 10 साल पहले की बात की जाए तो होता क्या था, उस समय जो हमारा सिस्टम होता था वो रेडियल सिस्टम पे वर्क करता था। मतलब एक सब स्टेशन, उससे अगर एक फीडर आ रही है, अगर यहाँ इस फीडर पे तार गिर गया तो जब तक ये रिपेयर ना हो, तो कभी कभी तो होता था एक दिन दो दिन भी लग जाते थे, या 6 घंटा या पूरी रात भर या पूरी दिन भर लाइट कटी रहती थी सिर्फ एक के वजह से। तो ये सिस्टम यहाँ पर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज यही था कि अगर एक फीडर अगर कहीं पर भी अगर फॉल्ट आता था, उसके वजह से सारे फीडर को बंद कराना पड़ता था। तो ये जो है ग्रामीण, अभी भी ये यूज हो रहा है ये सिस्टम, जिसको रेडियल सिस्टम बोलते हैं, ये ग्रामीण इलाका में जो गाँव के क्षेत्र है वहाँ पर इसका यूज कहा किया जाता है, जहाँ पर पावर सब स्टेशन से एक फीडर निकल गई, इससे ही इसी को क्या बोलेंगे, रेडियल सिस्टम बोलेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो डिसएडवांटेज है इसको हम लोग कैसे दूर करें। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग रिंग मेन सिस्टम को लाए हैं। अब रिंग मेन सिस्टम में देखिए, मैंने एक तरह का रिंग बना दिया है,
एक तरह का लूप बना दिया है। यही आपका एक पावर सब स्टेशन है जिससे आपका फीडर जा रही है और यहाँ पर मैंने ऐसा लूप बना दिया है, इसको मैंने इस फीडर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसको बोलते हैं फीडर से, यहाँ से जब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यहाँ से देखिए, ये आपका ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, ये ट्रांसफार्मर, इसके आगे भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। उसी तरीके से इधर से भी 4, 5, 10, 20 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्ट हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, सपोज अगर यहाँ पर फॉल्ट आए तो क्या होगा, ये सारा सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा इस पीएसएस से। जब ये अगर यहाँ पर फॉल्ट आया तो इस पीएसएस से हम इस फीडर को ही बंद कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने दिखाया आपको एक फीडर, तो ये इस पीएसएस से एक फीडर नहीं आ रहा होगा, दो तो कम से कम आता ही है या तीन होगा। तो एक फीडर मैं आपको दिखाया हूँ जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्ट है। अगर यहाँ पर कहीं फॉल्ट आ गया, इस फीडर पे यहीं पर ही फॉल्ट आ गया, तो क्या होगा, ये सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्ट हैं, चाहे 10, 20, वो सारे ऑफ हो जाएंगे। तो इसका यहाँ पर भी डिसएडवांटेज आ रहा है, इस अगर मेन फीडर, ये इस पीएसएस का मेन फीडर में अगर फॉल्ट आता है तब। बट इससे एक थोड़ा सा ये फायदा हुआ, अगर यहाँ पर फॉल्ट आ गया या इस ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आया तो ये तीनों ट्रांसफार्मर भी आपके कनेक्ट रहेंगे। होगा क्या, ये देखिए, इधर से आएगा आपका करंट और इधर भी चला जाएगा, इस लूप पे इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। तो ऐसा आपको दिख रहा होगा कि अगर इस ट्रांसफार्मर में भी अगर फॉल्ट आता है तो ये करंट जो है, जो सप्लाई आपकी जो है, इधर आ जाएगी और इधर भी चली जाएगी। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर से इसकी जम्पर छोड़ा के एबी स्विच गिरा के यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर पे काम हो सकता है, या इस फीडर पे अगर है तो यहाँ से आप एबी स्विच वगैरह लगे होंगे इस डीपी यहाँ पर, तो यहाँ से भी इसको डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका मेन अगर थोड़ा सा अगर फायदा हुआ है, अगर रेडियल सिस्टम को देखें तो यहाँ पर क्या था, अगर यहाँ पर अगर इस पर भी फॉल्ट आता था तो हो सकता है इस फीडर को भी बंद कराया जा सके, अगर ज़्यादा मेजर फॉल्ट है तब। इसमें थोड़ा सा राहत मिला है, बट अगर मेन फीडर ही अगर फॉल्ट हो गया तो ये सिस्टम, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्ट थे, सारे क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। अब हम ऐसा क्या करें कि इस चीज को भी दूर कर दे, ये भी गांव इलाका में, ये थोड़ा सा शहरी इलाका बन रही है, वहां पर ऐसा देखने को मिलता है रिंगमैन सिस्टम, और जो रेडियल है वो पूरा का पूरा गांव क्षेत्र का होता है, ग्रामीण क्षेत्र का होता है। ये उससे थोड़ा सा एडवांस है, बट इसमें भी डिसएडवांटेज ड्रॉबैक मिल गया है कि यहाँ पर अगर मेन फीडर ही फॉल्ट आया तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब इसको भी कैसे दूर करें, चलिए एक और सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इंटरकनेक्टेड सिस्टम, इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही फिगर है, वही इमेज है, बस इसमें मैंने क्या किया, एक पावर सब स्टेशन को और बढ़ा दिया है। मतलब अब अगर ये मेन फीडर अगर खराब भी होता है तो ये दूसरा फीडर से हम सप्लाई दे सकते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरकनेक्टेड सिस्टम। चाहे इस फीडर पे भी अगर मेन फीडर ही खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इस यहाँ से ही इस फीडर को ही बंद कर देंगे और ये डायरेक्ट इस पीएसएस से चलेगा। तो अगर जो शहरी इलाके होते हैं, यहाँ जहाँ हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया होती है, वहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा इंटरकनेक्टेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर मुझे 24 आवर मुझे अगर लाइट चाहिए तो वहाँ पर कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं हम लोग, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ये टाउन इलाका में या शहरी इलाका में जो है इंटरकनेक्टेड सिस्टम यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत जो शहरी इलाके होते हैं वो मुझे उसे क्या होता है 24 घंटे उसे लाइट की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग पूरा करने के लिए इंटरकनेक्टेड सिस्टम का यूज़ करते हैं। मतलब अब जो एक ट्रांसफार्मर ये अब जो ऑपरेट होगा, ये दो फीडर, दो अलग अलग पीएसएस के अलग अलग फीडर से कनेक्ट है। तो अगर इस पीएसएस पे भी अगर किसी तरीके से फॉल्ट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इस ये पीएसएस से हम लोग काम चला लेंगे, एक तरह का बैकअप का काम करेगा। उसी तरीके से अगर यहाँ फॉल्ट आ गया तो इस पीएसएस से देख देंगे। तो मैंने देखा इसी तरीके से कि रेडियल सिस्टम और उसके बाद रिंगमैन सिस्टम, ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ये सबसे एडवांस है और ये सबसे बेस्ट है देखा जाए तो। तो ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम आपको भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।